हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल कलावती रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस रेसिपी को ट्राई करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ कचू की चटपटी मसालेदार सब्जी। ये देखिए, मैंने कचू को मोटे मोटे स्लाइसेस में काट लिया है। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1 चम्मच, सरसों तेल, नमक, आमचूर पाउडर, 2 सूखे लाल मिर्च तड़का में डालने के लिए और मेथी के दाने, पीला सरसों 2 चम्मच लिया है, लहसुन की 7 से 8 कलियाँ लिए हैं। कढ़ाई को गैस पर चढ़ा के मैं गैस जला रही हूँ। आप जो तेल यूज करती हैं वो डाल सकती हैं। वैसे ये सरसों तेल में अच्छा बनता है सब्जी। तेल गरम हो गया, अब मैं इसमें कचू डाल रही हूँ। अब मैं कचू को फ्राई करूँगी। इसे मीडियम फ्लेम पे बराबर चलाते हुए ऊपर नीचे करते हुए भूनना है। 50% ही फ्राई करना है। इससे ज़्यादा फ्राई करने से पूरा मैसी हो जाएगा सब्जी। फिर मसाले में भी भूनना है इसको, इसके लिए 50% ही इसको भून कर निकाल लेना है। अगर आपको इस सब्जी के नाम नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। 50% फ्राई हो गया, मैं निकाल रही हूँ। अब मैं इसमें मेथी दाना डाल रही हूँ, सूखी लाल मिर्च तोड़कर डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर मैंने इसलिए थोड़ा सा डाला कि मैं सरसों और लहसुन का पेस्ट डालूँगी तो ज़्यादा छिटकेगा नहीं। अब मैं इसमें सरसों और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। डायरेक्ट तेल में कुछ डालना हो तो आप उसमें हल्दी थोड़ा डाल दीजिए। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। पूरे मसाले को एक साथ भूनूंगी। ये देखिए, हल्का हल्का थोड़ा भून गया और थोड़ा भूनना है। 1-2 मिनट और भूनूंगी। देखिए तेल ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब मेरा मसाला भून गया। अब मैं इसमें भुना हुआ कचू डाल रही हूँ। मसाले के साथ भी 2-4 मिनट भूनूंगी। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद 1 से 2 मिनट और भूनना है। कचू चारों तरफ से देखिए मसाला में लिपट गया है, भून चुका है। एक छोटे गिलास से 1 गिलास पानी डाला और पानी डालकर मैं 2 से 3 मिनट इसे पकाऊंगी। हल्का गुनगुना पानी डालूँ, इसलिए एक ठंडा पानी डालने से वो कड़ा हो जाएगा। 2 से 3 मिनट हो गया, ग्रेवी ठीक हो गया है। अब मैं इसमें उतारने से पहले आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। कचू थोड़ा गले में लगता है, इसके लिए थोड़ा उसमें खट्टा डालना चाहिए। ये देखिए, मेरा कचू का सब्जी बनकर तैयार है। अब मैं इसे बॉल में निकाल रही हूँ। ये लीजिए, बनकर तैयार है कचू की मसालेदार चटपटी सब्जी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद ना आए तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आने वाली मेरी नई रेसिपीज आपको पहले दिखे। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।